गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर पैटर्न मेकिंग इन ए कास्टिंग. दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स बाय कास्टिंग मेथड. सो वी विल स्टार्ट विद द पैटर्न मेकिंग. नाउ व्हाट इज पैटर्न? पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं. पैटर्न किसे बोलते हैं? तो पैटर्न में बी डिफाइंड एज ए मॉडल और रेप्लिका ऑफ द डिजायर्ड कास्टिंग विच यूज फॉर मेकिंग कैविटीज इन द मोल्ड इन टू विच मॉल्टन मेटल इज पोर्ड टू प्रोड्यूस द कास्टिंग. टू अंडरस्टैंड मोर प्रिसाइजली वी टेक ए लिटल एग्जाम्पल. जैसे छोटे बच्चे रेत में खेलते हैं, रेत के ऊपर अपना घर बनाते हैं. कैसे? रेत के ऊपर अपना पैर रख दिया, ओके, पैर के ऊपर मिट्टी को रेत को अच्छे से जमा देते हैं और बाद में पैर को बाहर निकाल लेते हैं और बच्चों का घर तैयार हो जाता है. इट मींस जो हमारा पैर है, जो कैविटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया था, दिस इज़ कॉल्ड पैटर्न. ओके, और पैर को हटाने के बाद जो हमारी कैविटी बनी है रेत के अंदर, ओके, जो घर बना है बच्चों का खेलने का, दैट इज़ कॉल्ड मोल्ड. और हम इस कैविटी में क्या करते हैं, जिस मेटल से हमने प्रोडक्ट बनाना है उसको हमने गर्म किया, ओके, लिक्विड फॉर्म में ले आए और किसी कंटेनर में डालकर उस कैविटी में फिल कर देते हैं और उसको ठंडा होकर जमा लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद उसकी फाइनल में फिनिशिंग कर लेते हैं. तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं कास्टिंग प्रोसेस में. तो जैसे मैंने कहा, ये हमारा पहला स्टेप है कास्टिंग से प्रोडक्ट्स बनाने का. तो पैटर्न्स, कि जो हमारा कैविटी जो बनाते हैं सैंड में, जिसको हम मोल्ड बोलते हैं, ओके, मोल्ड बनाने के लिए जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड पैटर्न. तो पैटर्न हमारा ऑलमोस्ट उसी शेप का रहता है जैसे कि हमने कैविटी बनानी है. हाँ जी, तो पैटर्न ऑलमोस्ट और यू कैन से समवट बिगर इन साइज इज मेड विद द हेल्प ऑफ वुड और सम मेटल्स और टू प्रोड्यूस द कैविटी और मोल्ड इन द मोल्डिंग सैंड. ओके, तो पैटर्न की डेफिनेशन हमने डिस्कस की, थोड़ा दोबारा अब डिस्कस करते हैं. पैटर्न किसे बोलते हैं? तो पैटर्न में बी डिफाइंड एज ए मॉडल और रेप्लिका, मीन्स रेप्लिका ऑफ डिजायर्ड कास्टिंग जो हमने प्रोड्यूस करनी है, विच यू यूज फॉर मेकिंग कैविटीज इन द मोल्डिंग सैंड इन टू विच मोल्टन मेटल इज पोर्ड टू प्रोड्यूस द कास्टिंग. सो वी हैव डिस्कस दैट इट इज नॉट एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द कास्टिंग. इट इज समवट यू कैन से स्लाइटली लार्जर बनाया जाता है, थोड़ा सा साइज में बड़ा बनाया जाता है ताकि बाद में हम उसकी फिनिशिंग कर सकें. ओके, और कुछ स्पेशल अलाउंस रखते हैं जो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पैटर्न के ऊपर कौन कौन से अलाउंसेज, जैसे कि श्रिंकेज अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस, फिनिशिंग अलाउंस, उसके ऊपर एक्स्ट्रा रखे जाते हैं. तो पैटर्न हमारा एग्जैक्ट जो कास्टिंग बनानी है उससे थोड़े से समवट साइज में बिगर बनाए जाते हैं, स्लाइटली बिगर. ओके, अब इसके ऊपर मेटल को पोर करने के लिए हमें कुछ प्रोजेक्शंस और बॉसेस बनाने पड़ते हैं जिनको हम बोलते हैं कोर प्रिंट्स. मीन्स जैसे हमने कास्टिंग में कोई होल बनाना है, ओके, होलो प्रोडक्ट बनाना है, तो हमें वहाँ पर कोर्स, जो कि एक स्पेशल टाइप की सैंड ही होती है, कोर सैंड, उसको रखने के लिए हमें कोर प्रिंट्स बोलते हैं उसको, वो बनाने पड़ते हैं. ओके, और हमारा ये प्रोडक्ट, ये जो मेथड है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कॉमनली यूज़ किया जाता है. अब हम बात करेंगे कि
फंक्शंस क्या है, पैटर्न हमारा क्या काम करता है, तो इसमें हम डिस्कस करें। तो मिनिमाइज द डिफेक्ट्स इन कास्टिंग, टू मिनिमाइज द डिफेक्ट्स इन कास्टिंग, कि अगर हम दूसरे मेथड से प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसमें डिफेक्ट्स ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू दिस मेथड। सेकंड, जैसे हमारा फंक्शन है कि पैटर्न हमारा क्या फंक्शन, क्या रोल प्ले करता है, क्यों बनाते हैं हम, टू प्रोड्यूस द मोल्ड ऑफ एप्रोप्रिएट शेप एंड साइज इन विच द मोल्टन मेटल कैन बी पोर्ड टू ऑब्टेन द डिजायर्ड कास्टिंग। तो ये हमारा बेसिक मेथड है। कि देन थर्ड वन इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कास्टिंग, कि दूसरे मेथड से अगर हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उसमें महंगा पड़ेगा, कास्टिंग से अगर हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो सस्ता पड़ता है, तो इकोनॉमिकली है एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। फिर कहता है सेंटर लाइन, जिसको हम बोलते हैं पार्टिंग लाइन, ओके, टू एस्टेब्लिश द पार्टिंग सरफेसेस एंड लाइन इन द मोल्ड, कि प्रोडक्ट का सेंटर लाइन इजीली हम लोकेट कर सकते हैं। फिर हम पैटर्न्स में कोर प्रिंट्स, मैंने बोला ये डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि कोर प्रिंट्स क्या होता है, तो कोर प्रिंट्स हमारा कोर की सपोर्ट के लिए, मींस कोर की सीट है बैठने की, जैसे कुर्सी है कह लीजिए, कोर को रखने के लिए जो जगह बनाई जाती है मोल्डिंग सैंड के अंदर और पैटर्न के अंदर, दिस इज कॉल्ड कोर प्रिंट, ओके। फिर कहता है कुछ पैटर्न्स हम कुछ दो तीन पार्ट्स में बनाते हैं तो वहाँ पर हम कुछ लोकेटिंग पिन्स लगाते हैं उसकी डायमेंशंस चेक करने के लिए और पैटर्न को असेंबल करने के लिए, तो लोकेटिंग पिन्स हम लगा सकते हैं, तो पैटर्न में ये भी हमारा फंक्शन है, ओके। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, बात करेंगे टाइप्स ऑफ पैटर्न्स कि पैटर्न्स कितने तरह के होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं कि जिसके हिसाब से हम पैटर्न्स को क्लासिफाई करते हैं, कि पहली तो ये बात है कि जो हमने कास्टिंग से प्रोडक्ट बनाना है, ओके, फाउंड्री टेक्निक को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाना है, उसका साइज़ क्या है और कैसी उसकी शेप है, आसान है, कॉम्प्लेक्स है, मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द शेप डिसाइड करती है कि पैटर्न हम कौन सा यूज़ करेंगे। फिर सेकंड फैक्टर आता है कि नंबर ऑफ कास्टिंग्स, कि कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं हमने, अगर थोड़े ही प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो उस हिसाब से पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, अगर ज़्यादा और स्मॉल साइज़ के हैं, कॉम्प्लिकेटेड शेप के हैं, तो उस हिसाब से हम पैटर्न को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा पैटर्न यूज़ करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नंबर ऑफ कास्टिंग्स प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस, ठीक है। फिर है थर्ड फैक्टर जो है मेथड ऑफ मोल्डिंग का कौन सा मेथड यूज़ किया है। फिर कह रहा है फोर्थ फैक्टर है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द मोल्डिंग ऑपरेशन सच एज विद ड्राइंग द पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड, या अगर हम कोई ऐसा पैटर्न सेलेक्ट कर लें बहुत कॉम्प्लेक्स ही शेप का, बट हम उसको आसानी से मोल्डिंग हमारी सैंड में से बाहर नहीं निकाल सकते, विड्रॉल में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको वो वाला सेलेक्ट नहीं करेंगे, कुछ पार्ट्स में बनाएंगे उसको, ठीक है ना, वो हम डिस्कस करेंगे अभी कमिंग लेक्चर में। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं कि टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हमारे इस तरह से अलग अलग डिफाइन करे जाते हैं। तो कॉमन जो है हमारे नाम दिए हुए हैं हमारे पास वन पीस पैटर्न, पहला तरह का पैटर्न है वन पीस पैटर्न, ओके। देन सेकंड इज स्प्लिट पैटर्न, मल्टी पीस पैटर्न और लूज पैटर्न भी बोलते हैं, लूज पीस पैटर्न भी बोलते हैं इसको। देन देयर इज मैच प्लेट पैटर्न, कोप एंड ड्रैग पैटर्न, स्वीप पैटर्न, ओके, गेटेड पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न, सेजमेंटल पैटर्न, फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो ये 10 तरह के पैटर्न्स के नाम हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो वी विल टेक फर्स्ट द वन पीस पैटर्न, जैसा कि इसका नाम है वन पीस, ये हमारा एक कंप्लीट पीस होगा, ठीक है। जैसी हमने कास्टिंग से प्रोडक्ट बनाना है, ये मैं वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ कास्टिंग्स, तो फाउंड्री टेक्निक को यूज़ करके जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको कास्टिंग्स बोलते हैं, CASTINGS, ओके। तो वन पीस पैटर्न हमारा एक पीस में होगा, ओके, इस पे किसी तरह के कोई जॉइंट्स, पार्टिंग लाइन और रूल लूज पीसीज नहीं होंगे, ओके, एक पीस होगा और ये सबसे सिंपल फॉर्म है पैटर्न की।
ये हमारा वुड का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, ठीक है। हमारे कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं इस पैटर्न को यूज़ करके, उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो इसमें हम कोई सबसे चीपेस्ट है ये, ओके, बट ये भी हमारा लिमिटेड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जैसे फिगर हमने शो कर रखी है, ये से बेलन आकार की कोई शाफ्ट है, ऐसे कह लीजिए। वन पीस में हमने इस पूरे पीस को हम मोल्डिंग सैंड में रखेंगे, इसके चारों तरफ मोल्डिंग सैंड को अच्छे से रैमिंग करेंगे, जिसको हम बोलते हैं अच्छे से पैक करेंगे, और बाद में इसको निकाल लेंगे तो हमारे पास कैविटी, जिसको हम बोलते हैं मोल्ड, वो तैयार हो जाएगा। और उस मोल्ड में हम गर्म किए हुए मेटल को डाल देंगे, उसको ठंडा करेंगे और हमारी कास्टिंग को, प्रोडक्ट को बाहर निकाल के उसकी फिनिशिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वन पीस पैटर्न हमारा यूज़ किया जाता है। तो इसमें मेटल फिल करने के लिए अलग से हमें रनर्स, राइजर्स और गेट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा आता है स्प्लिट पैटर्न। स्प्लिट का मतलब हमारा जो पैटर्न है पूरा, जो कास्टिंग है उसको, उसको बनाने के लिए जो पैटर्न यूज़ करते हैं वो दो पीसीज में होता है, ओके। और ये दोनों पीसीज एक पार्टिंग लाइन पे ज्वाइन किए जाते हैं। अभी हम फिगर देखेंगे। एक पार्ट को हम कोप बोलते हैं, COPE, और दूसरे पार्ट को हम ड्रैग बोलते हैं, DRAG, ड्रैग, ओके। तो दोनों पार्ट्स अलग अलग कोप और ड्रैग में रख कर अलग अलग तैयार किए जाते हैं और बाद में पार्टिंग लाइन पे ज्वाइन कर देते हैं। किसकी हेल्प से? लोकेटिंग पिन से या डावल पिन से, ओके, अटैच कर देते हैं। इसको हमने एग्जांपल समझने के लिए कि कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ बनाए जाते हैं स्प्लिट पैटर्न को यूज़ करके, तो वाटर टैप्स हैं, जैसे हमारी टूटियां हैं, पानी वाली टैप्स हैं, फ्यूसेट्स भी बोलते हैं इनको, टैप्स, ठीक है ना। उसका डिज़ाइन देखिए टफ सा है, तो उसको आधा 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 एक पैटर्न एक पार्ट में कोप पोर्शन में और आधा पैटर्न का पार्ट ड्रैग पोर्शन में अलग से तैयार करते हैं, ओके। तो अभी हम फिगर देखते हैं इसका, कोप एंड ड्रैग में स्प्लिट पैटर्न जो यूज़ किया। देखिए हाफ पार्ट हमारा ये ड्रैग पोर्शन में आ जाता है, ये कोप पोर्शन में, ठीक है। और बीच में ये लोकेटिंग पिन्स लगी हुई हैं, देखो, इसको लोकेट करने के लिए। ये ऐसी कुछ शेप बनानी थी, अलग अलग कोप एंड ड्रैग में हमने बना लिया, और उसको पार्टिंग लाइन, ये हमारी पार्टिंग लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब इसी की आगे थोड़ी सी और फर्दर एक्सटेंशन है, थर्ड टाइप का पैटर्न, मल्टीपल पीस पैटर्न और लूज पीस पैटर्न। तो स्प्लिट में तो हमने जस्ट दो पीसीज बनाए थे, अगर हम तीन चार या पांच पीसीज में पैटर्न को डिवाइड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मल्टी पीस, जैसा इसका नाम है, मल्टी पीस, और लूज पीस पैटर्न भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारी प्रोडक्ट की कास्टिंग की शेप पे डिपेंड करता है कि अगर वो ज़्यादा टफ हैवी हो गया है, हैंडलिंग करना टफ हो गया है, तो हम उसको पार्ट्स में बना के बाद में ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऊपर वाले पोर्शन को हम कोप बोलते हैं, नीचे वाले को ड्रैग, और ये मिडल पोर्शंस हैं, ठीक है, ये वाले मिडल पोर्शंस। तो इनको हमने, ये देखिए, यहाँ पर एक लोकेटिंग पिन लगाई गई है, इसकी हेल्प से अटैच कर लेते हैं और हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, ओके। तो डावल पिन्स हम यूज़ करते हैं, ओके, ये डावल पिन्स हम यूज़ करते हैं इनको अटैच करने के लिए एक दूसरे से। लकड़ी की जो कीले हैं उसको हम डावल पिन्स बोलते हैं, DOWEL, डावल पिन्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैटर्न की हम बात करते हैं, मैच प्लेट पैटर्न, फोर्थ पैटर्न है मैच प्लेट पैटर्न। ये फिगर आपके सामने है मैच प्लेट पैटर्न का, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैच प्लेट, ठीक है। तो पिस्टन रिंग्स जो होते हैं इंटरनल कंबस्चन इंजन, IC इंजन में यूज़ करते हैं हम पिस्टन रिंग्स, ठीक है ना, नाम सुना होगा आपने, पिस्टन रिंग्स। तो ये इस मेथड का पैटर्न यूज़ करते हैं उनको बनाने के लिए, मैच प्लेट। तो क्या करते हैं, हम एक से एल्यूमिनियम की प्लेट लेते हैं, उसके ऊपर हमारी कास्टिंग का आधा पार्ट एक साइड पे और रिमेनिंग हाफ पार्ट दूसरी साइड पे चिपका देते हैं, और उसके ऊपर गेट्स और रनर्स ये सब चिपका के उसको मोल्डिंग सैंड में रखते हैं, ठीक
ठीक है ना। तो ये देखिए आधा पार्ट ऊपर है आधा पार्ट नीचे और ये एल्युमिनियम की प्लेट है। इसको हमने इस तरह से मोल्डिंग सैंड ये जिसमें बनाना है कैविटी जिसमें मोल्ड बनाना है उसमें रख के फिट कर लेते हैं और बाद में रिमूव करके इसको फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो मेथड यूज़ किया जाता है बेसिकली रैपिड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड एक्यूरेट कास्टिंग्स। स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं और एक्यूरेट बनाने हैं तो वहाँ पर ये वाला पैटर्न और लार्ज स्केल पे बनाने हैं। ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा बनानी है तो वहाँ पर ये मैच प्लेट पैटर्न यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा कोप एंड ड्रैग पैटर्न। तो ये भी ऐसे कह लीजिए कि इसी का नाम है स्प्लिट पैटर्न का। जैसे हमारा सेकंड वाला था स्प्लिट पैटर्न की पूरे पैटर्न को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सेपरेटली अलग अलग बनाते हैं उनको। ठीक है, मोल्डिंग बॉक्स में रखकर कोप पोर्शन एक पार्ट में, ड्रैग पोर्शन सेकंड मोल्डिंग बॉक्स में, और चारों तरफ रेत को जिसको हम मोल्डिंग सैंड बोलते हैं उसको अच्छे से पैक कर दिया, जिसको हम बोलते हैं कि रैमिंग कर दिया अच्छे से। ठीक है ना, रैमिंग करने के बाद में डबल पिंस या पार्टिंग लाइन पे अटैच करके पूरे उसको रिमूव कर लेते हैं पैटर्न को और कैविटी हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से कोप एंड ड्रैग पैटर्न ये उसी की फॉर्म है स्प्लिट पैटर्न की। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वीप पैटर्न की। समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लाइट जब चली जाती है, ठीक है ना, गर्मियों में लाइट जब चली जाती है तो हम हाथ वाला पंखा यूज़ करते हैं हवा देने के लिए। तो ऐसे समझ लीजिए सेम वैसा ही है। ओके, सेंटर में एक रॉड है, इसके ये वाली एक रॉड है जिसको हम पोस्ट बोलते हैं और यहाँ पर एक स्टैंड की हेल्प से अटैच करा हुआ है। ठीक है, और ये वाला एक स्वीप है, ये वाला। ओके, ये शेडेड वाला स्वीप यानी कि एक मेटल का पीस है ऐसे कह लीजिए, और इसको हमने ये नेल्स लगाकर सेंटर जो पोस्ट है रोड है उसके साथ अटैच किया हुआ है। ओके, और इसको सेंटर में रखकर चारों तरफ ऐसे घुमा देते हैं मोल्डिंग सैंड में। तो जहाँ जहाँ ये घूमेगा वहाँ वहाँ से मोल्डिंग सैंड को हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास ऐसी कैविटी बन जाएगी। ठीक है ना, और बाद में इसको स्वीप को रिमूव कर लेंगे और इसकी फिनिशिंग कर देंगे, इसमें गेट्स और रनर्स के साथ इसको अटैच कर रहे हैं। मैं ये वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ, गेट्स एंड रनर आगे यूज़ करेंगे हम, इसको समझेंगे क्या होते हैं। अभी के लिए ये है कि मोल्टन मेटल जब मोल्ड कैविटी तैयार करने के बाद उसमें पहुँचाने का जो रास्ता है दिस इज़ कॉल्ड रनर्स एंड गेट्स। रनर एक कॉमन रास्ता है, जैसे आप इसको समझने के लिए गेट और रनर्स को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे हमारे घरों में सप्लाई आती है, से मेन गली में एक पाइपलाइन बड़ी बिछी हुई है, ठीक है, वाटर सप्लाई उसमें आ रही है, ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से, दिस इज़ कॉल्ड रनर। और इसके बाद घरों में जो पाइपलाइंस हमने पानी के कनेक्शन किए हुए हैं दिस इज़ कॉल्ड गेट्स। ठीक है, तो पानी हमारा सप्लाई मेन पाइप में आता है और वहाँ से डिफरेंट हाउसेज में सप्लाई हो जाता है। तो मेन जो पाइप है दिस इज़ कॉल्ड रनर, और आगे जो घरों में कनेक्शन किए हुए हैं दिस इज़ कॉल्ड गेट्स। तो ऐसे ही हमारी जो कैविटी में मोल्टन मेटल को पहुंचाने के लिए पहले रनर्स के थ्रू होता हुआ फिर गेट्स के थ्रू होता हुआ कैविटीज यानी कि मोल्ड्स में पहुंच जाता है। ठीक है, और जिसको हम बाद में ठंडा होकर जमने के लिए छोड़ देते हैं सॉलिडिफिकेशन के लिए, और बाद में उसको कास्टिंग को निकाल लेते हैं रेत को हटाकर, मोल्डिंग सैंड या ग्रीन सैंड बोल लीजिए उसको हटाकर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्वीप पैटर्न से स्वीप करके हम कैविटी बनाते हैं। ठीक है, तो आप ये समझने के लिए स्वीप पैटर्न कहाँ यूज़ करा जाता है, ऑलमोस्ट सर्कुलर जिनकी क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, कोई फ्लैंज बनाना है सर्कुलर, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर बनाया जाता है। अब एक वर्ड आएगा बार बार, चैपलेट्स। चैपलेट्स जो है ये छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज़ चैपलेट्स, CHAPLETS, चैपलेट्स। तो चैपलेट जो है हमारा कोर्स की सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और ये भी किसी ऐसे कह लीजिए कि उसी मेटल के छोटे छोटे सपोर्ट्स या गुटके होते हैं जो बाद में मेल्ट होकर कास्टिंग का ही हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है ना, जिस मेटल का हमने पीस बनाना है, ठीक है ना, उसको पहले ही यहाँ बॉटम पे रख देंगे यहाँ पर कोर्स की सपोर्ट के लिए, कोई कैविटी बनानी है
तो वहाँ पर क्या होगा, जब गर्म मेटल इसके ऊपर गिरेगा तो ये खुद भी मेल्ट हो जाएंगे, ओके, और कास्टिंग का हिस्सा बन जाएंगे। तो चैपलेट्स आर यूज फॉर सपोर्टिंग द कोर्स, ठीक है। नवाब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के पैटर्न की, गेटेड पैटर्न। अब ये हमारे पास फिगर है गेटेड पैटर्न की, अभी हम आते हैं इस पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। ये छोटी छोटी हमने कैविटीज़ बनाई हैं, छोटी छोटी स्मॉल प्रोडक्ट्स बनाने हैं बट लार्ज इन नंबर बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, छोटा सा ऐसा प्रोटोटाइप बनाते हैं, ठीक है। और ये बीच में जो है, ये वाली जो लाइंस हैं, दीज आर कॉल्ड गेट्स, और सेंटर वाला मैंने कहा रनर, ये वाली जो लाइन है, ठीक है ना, मेन सप्लाई लाइन और हॉट मोल्टन मेटल के लिए। तो इस तरह के अगर जब हमने प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, मल्टी कैविटी मोल्ड्स आर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो मेटल के पैटर्न्स हम बना लेते हैं और इसको रख कर सांचा हमारा बन जाता है, ठीक है, मोल्डिंग सैंड के अंदर, और बाद में हटा लेते हैं। और तो इससे क्या है, ऐसा करने से हमें एक एक प्रोडक्ट बनाने की बजाय, हमने देखिए एट ए टाइम 8 प्रोडक्ट्स बना लिए बट स्मॉल इन साइज़, ठीक है। और अलग से गेट्स और रनर्स अलग से नहीं बनाने पड़े, तो हमारी टाइम सेविंग हो जाता है, ओके, कास्टिंग में। तो इस तरह का हम गेटेड पैटर्न वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमने स्मॉल प्रोडक्ट्स बट लार्ज इन क्वांटिटी बनाने हो, ओके। ना अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तरह के पैटर्न की, स्केलेटन पैटर्न। स्केलेटन पैटर्न देखिए, अब इसमें इसका उल्टा है, इसमें हमने लार्ज साइज के पार्ट्स बनाने हैं बट थोड़े बनाने हैं, क्वांटिटी हमारी लेस है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक वुडन का फ्रेम बनाते हैं, ओके। तो वुडन का फ्रेम बनाकर इसके बीच में हम सैंड को फिल कर देते हैं, मीन्स स्केलेटन बना लिया एक तरह से, और इसके बीच में रेत को फिल कर लिया, ओके। और ये एक स्टिकल बोर्ड है, यानी कि एक लकड़ी का बोर्ड है, और उसके ऊपर शेप दी हुई है हमने इस तरह से, ठीक है। और इससे हम इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। और इसको समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ हमने टर्बाइन्स की बॉडी बनानी है, ओके, कोई वाटर पाइप बनानी है किसी मेटल से, ठीक है ना। तो इस तरह का हम वहाँ पर स्केलेटन पैटर्न यूज़ करते हैं कि इतना बड़ा अगर हम पूरे मेटल का बनाएंगे पैटर्न तो वो बहुत हैवी हो जाएगा। तो बीच में हमने क्या कर लिया, मोल्डिंग सैंड को यूज़ कर लिया, और साइड की पेरिफेरी की साइड की शेप देने के लिए ये स्केलेटन यूज़ कर लिया, और ये स्टिकल बोर्ड की हेल्प से एक्स्ट्रा जो मोल्डिंग सैंड है वो हटा दी हमने, ठीक है। बाद में इस पूरे स्केलेटन पैटर्न को रिमूव कर लेते हैं और हमारे पास वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मींस पाइप की शेप की कैविटी बन जाती है, और इसको रनर्स और गेट से अटैच करके हम फिल करके प्रोडक्ट बना लेते हैं कास्टिंग से, ठीक है। तो स्केलेटन पैटर्न। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेजमेंटल पैटर्न्स की, सेजमेंटल पैटर्न। अब इसको समझने के लिए भी हम एक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। पहले से हमने व्हील रिम बनाना है कोई कास्टिंग से, ठीक है, कोई पुल्ली बनानी है, ठीक है। पुल्ली तो आप समझते हैं, पुल्लीज, ठीक है ना, जैसे कुएं के ऊपर पानी निकालने के लिए जो जिसके ऊपर रस्सी चल रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे ये हम पुल्ली की शेप बनाएं कुछ इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से ये पुल्ली बनानी है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की। तो हम क्या करते हैं, ये पूरी पुल्ली ना बनाकर सिर्फ 1/4 पोर्शन, यानी कि इतना पोर्शन का ये पैटर्न बना लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस सेजमेंटल पैटर्न को रेत में रखते हैं और इसके चारों तरफ रेत को फिल करके इसको रिमूव कर लेते हैं, फिर हम दूसरी जगह पे रखते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारी कैविटीज जितने ये हमने शेप्स बनानी है वैसे कंप्लीट करते जाते हैं, ठीक है ना, इसको घुमा कर रेत में, तो ये हमारे बन जाएंगे, ठीक है। गियर ब्लैंक बनाना है कि जिसके ऊपर कोई गियर काटना है, तो इस तरह से सेजमेंटल पैटर्न यूज़ किया जाता है कि ये एक एक पार्ट सर्कुलर तरह की, सेंटर से हम इसको यहाँ से सेंटर से घुमाते जाएंगे ऐसे, ठीक है ना, रेत के अंदर, और हटाते जाएंगे ये बनाने के बाद, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, इस तरह से हम सेजमेंटल पैटर्न को यूज़ करते हैं सर्कुलर कास्टिंग्स बनाने के लिए। तो ये भी देखिए, ऐसे अगर हम पूरा पुल्ली का पैटर्न बनाएंगे वुडन या मेटल का तो वो बहुत हैवी हो जाएगा और महंगा भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस वहाँ पर हम सेजमेंटल पैटर्न यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है फॉलो बोर्ड पैटर्न। ये आप फिगर देखिए, पैटर्न की हमारी सिर्फ ये ऊपर वाली शीट है। फॉलो बोर्ड है, एक मोल्डिंग बोर्ड है, इसके ऊपर ये वुडन का बनाया हुआ है और ये पैटर्न की शेप देने के लिए एक ऐसा हमने मेटल शीट का पार्ट बना लिया है। ये अगर हम सॉलिड पैटर्न बनाएं तो वो बहुत हैवी हो जाएगा, एग्जैक्ट शेप भी नहीं बनेगी। तो हम क्या करते हैं, 1/2 जो होता है वुडन बोर्ड में बना लेते हैं, जिसको हम फॉलो बोर्ड कहते हैं। ओके, और इट एक्ट्स एज ए मोल्डिंग बोर्ड फॉर द फर्स्ट मोल्डिंग ऑपरेशन। फर्स्ट मोल्डिंग ऑपरेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं और इसको घुमा घुमा कर अलग अलग रेत में हम यूज़ कर लेते हैं कि अलग अलग शेप बनाने के लिए। तो ये हैं हमारे डिफरेंट तरह के, ऑलमोस्ट 10 तरह के हमने पैटर्न टाइप्स डिस्कस करे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्वीप पैटर्न, गेटेड पैटर्न, कोप एंड ड्रैग पैटर्न। ओके, बट अब मैंने पहले भी कहा कि हमने कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।